एंजॉय नेचर देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ DIY पॉट्स जो मैंने खुद DIY किए हैं उनको आपके साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूं आपको वो पसंद भी आएंगे। ये फ्लावर जे भी मैंने ही एक बोतल से बनाया है, सनफ्लावर है। तो मैं आपको अपने पॉट्स हैं जो वो दिखाती हूँ। देखिए, जे मैंने कुछ ऐसे पेंट करके कुछ प्लांटर बनाए हैं, इनको हैंग किया है, एक डिब्बे को पेंट किया है मैंने। ये देखिए, तो ये पिग हैं, इस पर ये पिग भी बॉटल से ही बने हुए हैं। और ये कुछ बॉटल्स के मैंने हैंगिंग प्लांटर बनाए थे, ये हैं। और ये देखिए, ये भी मैंने बाउल का एक हैंगिंग प्लांटर बनाया, और ये एक बोतल का। ये देखिए, इस पर मैंने ये स्टोन्स हैं वो लगाए हैं जी। ये मैंने कैक्टस को लगाया, ये भी एक दिए का पॉट बनाया है मैंने, दिए को पेंट करके बड़े वाले को, और इसमें मैंने कैक्टस को लगाया। और ये देखिए, इसमें मैंने ये मनी प्लांट्स को लगाया है जी। और ये छोटा सा पॉट, इसको भी मैंने ही पेंट किया है। और ये वाले देखिए, ये भी मैंने एक ओल्ड बाउल से बनाए हैं, ये दो हैं ये, और ये बॉटल का है जी। और ये हैंगिंग प्लांटर हैं जो सभी मैंने जे DIY किए हुए हैं ये सभी। और ये भी मैंने एक पेड़ की टहनी के ऊपर लगाए हुए हैं, ये सभी मैंने बोतल के हैं, उनको DIY किया है। जी, सभी भी मैंने बॉटल से बनाए हैं, और इनको मैंने एक विंडो पर हैंग किया है। ये देखिए, ये भी एक बोतल का है, बिल्कुल ही बोतल का एक छोटा सा पार्ट है। इसमें भी देखिए, ये जेट प्लांट है जो वो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये भी देखिए, और ये फिश, ये मैंने DIY तो नहीं किया, लेकिन ये वेस्ट ही पड़ी थी मेरे घर में, तो ये पॉट, ये भी मैंने DIY किया है। इस पर मैंने ये मिरर से लगाए हैं, और ये भी है एक, इसमें जेड लगा हुआ है।
ये भी एक बोतल से ही बना हुआ है। और ये देखिए, ये कप से मैंने प्लांट्स बनाया है और इसमें मैंने ये स्नेक प्लांट को लगाया हुआ है। ये भी कप में लगा हुआ है और ये कैक्टस को मैंने ग्लास में लगाया हुआ है। और ये फुटबॉल का भी बहुत ही अच्छा प्लांट बना है। और ये भी एक बोतल पर मिरर लगाकर मैंने बनाया है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें भी मैंने जेट को लगाया, ये पकेट को भी मैंने ही DIY किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।